तो मेरी टोपी भी चली गई। कोई बात नहीं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अपनी तीन गाड़ियों को इंडियन मार्केट में उतारा है, नेक्सॉन, सफारी और हैरियर। और इन तीनों ही गाड़ियों को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इनका लुक, डिजाइन और जो प्रीमियम फीचर्स इनमें दिए गए हैं वो तो इनके कॉम्पिटिटर्स में भी नहीं आते हैं। ओवरऑल तीनों गाड़ियां काफी जबरदस्त है। लेकिन टाटा की गाड़ी खरीदते समय एक चीज हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है कि इनके आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी या नहीं, क्योंकि आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें कस्टमर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और सिर्फ इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, सारे ही कंपनियों के गाड़ियों में और आफ्टर सेल सर्विस में कभी कभी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, लेकिन कह सकते हैं टाटा मोटर्स में ये सब ज्यादा है। और ये आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। ये पहला केस ट्विटर पर ब्रांड न्यू नेक्सॉन के ओनर ने शेयर किया है, जिसमें इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है, बी वेरी केयरफुल बिफोर बाइंग न्यू टाटा नेक्सॉन। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला वो भी नीचे मेंशन है। भाई ने बताया कि डिलीवरी लेने के मात्र 3 दिन और 100 किलोमीटर के अंदर ही ये 2 बार सर्विस सेंटर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी में फॉल्ट बना हुआ है। अब इसमें फॉल्ट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी लेने के दूसरे दिन ही नेक्सॉन का इंफोटेनमेंट सिस्टम काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद भाई ने सर्विस सेंटर में ले जाकर इसे सही करवाया। फिर दूसरे दिन ये गाड़ी को लेकर कहीं जा रहे थे और रास्ते में अचानक से इसका हॉर्न बजने लगा कुछ ऐसे, और ये बजता चला जा रहा था, रुक नहीं रहा था, जिसके बाद भाई ने किसी मैकेनिक को बुलाकर फ्यूज वगैरह निकलवाया, तब ये बंद हुआ। अब इसे दिखाने के लिए भाई दूसरे दिन सर्विस सेंटर पर गाड़ी लेकर गए। अब वहां उन लोगों ने पता नहीं क्या सही किया क्या नहीं, घर आते ही अगले दिन फिर से वैसी ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी पार्क है और लॉक्ड है, लेकिन फिर भी इसका हॉर्न बजे जा रहा है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लग रहा, छोटी मोटी चीजें कहीं से डिस्टर्ब हुई होंगी, लेकिन आप देख सकते हैं सर्विस वालों से ये छोटी सी चीज भी सही नहीं हो पा रही है। यही वजह है जो लोग कभी कभी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और सर्विस सेंटर वालों की बेवकूफियों की वजह से ना वो खुद कभी ये गाड़ियां लेते हैं ना दूसरों को रिकमेंड करते हैं। अगला इंसिडेंट भी ट्विटर पर ब्रांड न्यू नेक्सॉन के ओनर ने शेयर किया है। यहां पर आप देख सकते हैं नेक्सॉन फेसलिफ्ट एक सड़क के किनारे खड़ी हुई है और इसमें आग लगा हुआ है। ऐसा लग रहा आग लगना इसके फ्रंट यानी इंजन वाले एरिया से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे यह बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम पर इसने पूरे गाड़ी को जलाकर राख कर दिया है। ओनर ने यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने करीब 1 महीना पहले इस गाड़ी को खरीदा था, क्रिएटिव एस प्लस वेरियंट है ये, और लास्ट नाइट इसमें अपने आप आग लग गया और 30 मिनट के अंदर जल कर गाड़ी राख हो गई। अब इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था वो मेंशन नहीं है, ना ही इतनी जल्दी शायद पता भी चल पाएगा, लेकिन जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो हर कंपनियों के गाड़ियों के साथ हुए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा कहा भी नहीं जा सकता है। हो सकता है गाड़ी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है सर्विस के दौरान कुछ गलती की गई हो, या हो सकता है गाड़ी में कोई आफ्टर मार्केट फिटमेंट्स करवाए गए हों। हालांकि इस वेरिएंट में लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं, इसलिए बाहर से कुछ करवाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भाई लोग टॉप मॉडल में भी आफ्टर मार्केट फिटमेंट्स करवाते हैं, जिससे कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, और ये हमने पहले भी कई बार देखा है। लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, जब इसका इंस्पेक्शन होगा तभी चीजें क्लियरली पता चल पाएंगी। हालांकि कुछ भी हो, इस केस में टाटा मोटर्स को पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, और अगर बाई चांस उनके तरफ से कोई गलती हुई है तो कस्टमर को पूरे गाड़ी का पैसा वापस लौटाना चाहिए या नई गाड़ी देनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी इन भाई के नेक्सॉन की प्रॉब्लम को भी सीरियसली लेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोग अपने और अपने फैमिली के लिए इतना पैसा लगाकर नई गाड़ी खरीदते हैं, बार बार सर्विस सेंटर में ले जाने के लिए नहीं। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।